हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वी जैक एक्सपर्ट में। और सारे भाई को दिल से अस्सलाम वालेकुम और राम राम। फिर से एक नई वीडियो और नई वैकेंसी के साथ हाज़िर हो चुका हूं। यहां पे जो वीडियो मैं हाज़िर हुआ हूं लेके फॉर द नॉर्वे कंट्री के लिए ये है। और यहां पे डॉक्यूमेंट आप लोग शुरू में ही देख लो, जिन्हें काम करवाना है करवाओ, जिन्हें पसंद है पसंद करो, जो हेटर्स हैं वो हेट करते रहो, कोई टेंशन नहीं, मेरे को कोई टेंशन लेना देना नहीं है, ठीक है। काम जिन्हें करवाना है वो करवाएं, जिन्हें पसंद आता है वो ऑफिस में आ रहे हैं, पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ठीक है। और मॉरिशस का जो भी कैंडिडेट का वीज़ा आया है उन सभी के वीडियोस बनने वाले हैं। और मॉरिशस के अभी बहुत सारी वैकेंसीज अभी आई हैं, तो जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे मॉरिशस में वो डायरेक्ट वर्क परमिट है, ठीक है, ये याद रखा करो। अब ये मॉरिशस, ये नॉर्वे के लिए जो है, ये नॉर्वे के लिए यहाँ पर देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। नॉर्वे के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट है ये देख लो आप लोग, पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट बैक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, ये आपका। और 80% फेस, 20% आप लोगों का शोल्डर फ़ोटो जो जेपीजी में रहेगा पूरा। सीवी, ठीक है, यूरो पास वाला सीवी होना चाहिए, ठीक है, या सिंपल वाला है तो सिंपल वाला। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास, जो दो थर्ड, सेकेंड और थर्ड पे जो रहेगा उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें आप लोगों को 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, और जिसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगूंगा उसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपका पैन कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो सामने दिख रहा है आपको, और आपका आधार कार्ड, और विटनेस बाय फैमिली मेम्बर्स, आप अप्लाई कर रहे हो ये फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में ये नहीं कि ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, चाचा आ गए मामा आ गए, वो सब रिलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। फैमिली मेंबर्स, ओनली फैमिली मेंबर्स, जो आपके रिलेटिव भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके मम्मी हो पापा हो, कज़न ब्रदर ये सब वो सब नहीं चाहिए, ठीक है। पहली जो कैटेगरी है वेयर हाउस हेल्पर, वेयर हाउस हेल्पर के अंदर आपको 15 कैंडिडेट चाहिए, ECR ECNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये याद रखो। 1500 यूरो इसकी सैलरी है, 1500 यूरो कन्वर्ट करके आप लोग नेट पे देख लेना कितना बनता है सैलरी। ये बेसिक सैलरी है, जो ऑफ़र लेटर आएगा, ऑफ़र लेटर आप लोगों को जमा करना है सिग्नेचर करके, ठीक है, ये याद रखना। 1500 यूरो इसकी सैलरी है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस 3,75,000 है, सर्विस चार्जेस निगोशिबल नहीं होगा। सर कम कर दो, निगोशिबल है, नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखो। सेकेंड जो कैटेगरी है वो होल फिटर वाला काम है, ठीक है, होल फिटर 10 कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। 2000 यूरो इसकी सैलरी है, ठीक है, 2000 यूरो। अब इसको कन्वर्ट करके आप लोग जाके देख लेना, 2000 यूरो इसकी बेसिक सैलरी है, ऑफर लेटर मिलेगा, ओवर टाइम करके 2500 यूरो तक सैलरी आएगी। अब इसमें जो पासपोर्ट आप लोगों का चाहिए वो ECNR पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और शिप यार्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, शिप यार्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ITI बंदा चाहिए, डिप्लोमा वाला बंदा चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस, शिप यार्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट को इंग्लिश अच्छी खासी बोलने आनी चाहिए, ठीक है, अच्छी खासी, ये याद रखो। इसके बाद लास्ट जो कैटेगरी है, थर्ड जो कैटेगरी है वो पाइप फिटर का काम है। पाइप फिटर में भी 10 कैंडिडेट चाहिए, ECNR पासपोर्ट चाहिए, ECNR जो पढ़े लिखे हैं। 2000 यूरो इसकी बेसिक सैलरी है, ठीक है, ओवर टाइम करके 2500 यूरो तक सैलरी आएगी। 20 साल से लेकर 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्जेस की जो बात करूँ वो 3,75,000 है, 3,75,000, 2 से 3 महीना ये टोटल प्रोसेसिंग टाइमिंग इसमें लगेगा, ठीक है, तो घाई नहीं करना है। और पाइप फिटर के अंदर भी ITI डिप्लोमा, मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस, शिप यार्ड का एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए,
और कैंडिडेट को ड्राइंग वगैरह ड्रॉ वगैरह करने आना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ वगैरह ड्राइंग वगैरह जैसे कि आर्किटेक्चर के ऑफिस में होता है उस तरीके से आर्टिकल आप लोगों को बनाने आना चाहिए। इंग्लिश तो कंपलसरी आना चाहिए, वेयर हाउस में चल जाएगा, ठीक है। अगर अनपढ़ भी है तो भी चल जाएगा और पढ़ा लिखा है तो भी चल जाएगा, ठीक है, ये याद रखो। ओनली फॉर वेयर हाउस में वीडियो इसमें चाहिए आप लोगों का, इंट्रोडक्शन इंटरव्यू इसमें कंपलसरी है। इंटरव्यू में इन केस आप लोग जैसे कि पास आउट नहीं किया, आप लोगों को बोला कि आपको इन्फॉर्म करते हैं एक्स वाई जेड, तो भी ये याद रखो निराश होने वाली कोई बात नहीं है। सिलेक्शन अगर आपको जमा तो सिलेक्शन करवा के लेंगे अपन लोग, ठीक है, ये याद रखो। अब यहाँ पे देख लो, डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को बता दिया, पेमेंट मोड देख लो। पहला डॉक्यूमेंट जमा करने के साथ जब आप लोगों को एडवांस पेमेंट आप लोगों को ये 15,000 सिक्योरिटी है, 15,000 आपने सिक्योरिटी दिया आप लोगों का फर्स्ट, जब आप लोगों को ऑफ़र लेटर मिलेगा आप लोगों को 10% पेमेंट क्लियर करना है, 10%, ठीक है, ये याद रखो। 10% आप लोगों ने पेमेंट क्लियर किया, ठीक है, 10 भी नहीं, आप लोगों को कम से कम 20% पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा, वो ऑफिस में आके पूछ लेना आप लोग। फिर जब सेकेंड आप लोगों को वर्क परमिट आप लोगों को इनविटेशन आ जाएगा तो आप लोगों को कम से कम 40% मतलब 40% आप लोगों को पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट और बैलेंस पेमेंट जो भी है वो आप लोगों का वीज़ा आने के बाद आप लोगों को एक साथ पेमेंट आप लोगों को पे कर देना है। इसमें आप लोगों का वीज़े वीज़े ही तक है, टिकट आप लोगों को खुद से अपनी टिकट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये याद रखना। या फिर टिकट का पेमेंट आप लोगों को मतलब कंपनी अगर वहाँ से दी तो 50% कंपनी देगी, 50% आप लोगों। टोटल 2 से 3 महीने का इसमें प्रोसेसिंग टाइमिंग है। 30 ये आने वाले 30 सितंबर मतलब 5 सितंबर, 2-5 दिन आगे पीछे पकड़ के चलो अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी आप लोगों को रहना खाना प्रोवाइडेड कर रही है, 2 साल के बाद रिटर्न टिकट है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, 8 घंटे की ड्यूटी है और हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही आप लोगों को काम करना है, 5 दिन काम करना है, 2 दिन आप लोगों की छुट्टी है। मेडिकल इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी की तरफ से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अदर जो फैसिलिटीज़ है वो एज़ पर नॉर्वे लेबर लॉ के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिर से सुन लो, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, फ्रंट बैक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इंट्रोडक्शन वीडियो और आप लोगों का पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है, विटनेस के तौर पे आधार कार्ड और पैन कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है, और ऑफ़र लेटर आप लोगों को 15,000 एडवांस है वो जो डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद आप लोगों का ऑफ़र लेटर आने के बाद आप लोगों को 20% पेमेंट क्लियर करना है, ठीक है, 20%। उसके बाद जब आप लोगों का वर्क परमिट इनविटेशन लेटर आ जाए तो आप लोगों को 40% पेमेंट क्लियर कर देना है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद और बैलेंस रिमेमिंग जो भी है सब वीज़ा आने के बाद आप लोगों को एक साथ पेमेंट आप लोगों को देना है, ठीक है। कुछ ना समझ में आया हो तो ही कॉल करके पूछ लेना, समझ में आया हो तो फालतू के टाइम पास मत करना, ठीक है, और फालतू के लोग कॉल करके टाइम पास मत किया करो, ठीक है। इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करो, नहीं इंटरेस्टेड हो छोड़ के वीडियो जा सकते हो, बाहर में जाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वीज़ा एक्सपर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूरोप कंट्री लेकर। थैंक यू एवरीवन।